नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं एक पुरातन गांव कह सकते हैं हजारीबाग का, जो चंपानगर कहलाता है। चंपानगर नवाडी, नवाडी चंपानगर नवाडी ये क्षेत्र है। और अगर इस इलाके में कोई भी पुराना पत्र देख लें, केवाला देख लें, खतियान देख लें, तो उसमें जिस परगना का जिक्र होता है वो चंपा होता है। तो हम उसी चंपा में हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध माता चंपेश्वरी मंदिर भी है जिसमें बड़ी आस्था है लोगों की। लेकिन आज हम जिस चीज़ से आपको रूबरू करा रहे हैं वो बिल्कुल अनूठा है। ये आपको महाभारत काल से जुड़ता है। हजारीबाग का कभी महाभारत काल से कोई जिक्र पहले तो हमने नहीं सुना है, लेकिन जब इस गांव में आए तो हमें पता चला कि यहाँ महाभारत काल में जब अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, राजा युधिष्ठिर जो थे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो अश्वमेघ का जो घोड़ा था वो घोड़ा इस इलाके में आया था। है ना, हैरत की बात। लेकिन हम आपको कुछ उसके सबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों ये जो इलाका है इसका नाम जो घोड़टप्पा बोलते हैं, और घोड़े के जो टाप होते हैं, जो पैरों के खुर के जो निशान हैं, वो इस पत्थर पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपको निशान दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये घोड़े के खुर के हैं, और ये उसी अश्वमेघ यज्ञ में जो घोड़ा था जो इसे युधिष्ठिर ने छोड़ा था, वही उसी घोड़े के टापों के निशान हैं, उसके पैरों के खुर के निशान हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं इस इलाके के, क्या कहते हैं, क्या इन्होंने सुना है, इन्हीं से जानते हैं क्या है इसका। वो अश्वमेध यज्ञ किए थे महाभारत काल में, उसी समय जब घोड़ा आया था यहाँ हंसध्वज राजा के राज्य में, उसी का जो है सो ये पद चिन्ह है, इसको हम लोग घोड़टप्पा के नाम से जानते। क्या नाम था उस वक्त के राजा का जो बोल रहे हैं? हंसध्वज राजा जो थे वो यहाँ पे, तो ये लेकिन ये पूरी जो पूरा सेंचुरी का इलाका है, जो जंगल है वो ये इलाका है, और इसे सहेजने की ज़रूरत है, संवारने की ज़रूरत है। हालांकि ये जंगल विभाग का क्षेत्र है और यहाँ आवाजाही जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बावजूद इस इलाके में कुछ बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जो यहाँ के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसी जगहों को जिस पर से ऐसी कहानियाँ हैं, इन चीज़ों को संरक्षण में बड़ी दिक्कत आ रही है जैसा कि लोग बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन पूर्वजों से जो हमने सुना है और जो अभी मैं खुद देखता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि बाकी जो भी हो, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं इनको हमको सहेजने की ज़रूरत है, और ये विरासत नहीं कहेंगे हम इसको, इन सब चीज़ों से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये सब एक ऐतिहासिक चीज़ है और हम लोग बाकी जिनको जैसा लगे, लेकिन अभी तो है कि अगर हम इसको बचा पाते हैं तो काफ़ी सारा आगे भी इसके ऊपर खोज किया जाए, देखें। दिक्कत क्या हो रहा है? अभी आप जहाँ पे खड़े हैं वो एक सेंचुरी एरिया है। सेंचुरी एरिया में काफ़ी सारे अवैध माइनिंग का काम हो रहा है, कई दफ़ा हम लोगों ने कंप्लेन भी किया लेकिन कहीं कुछ नहीं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी जो ड्रिल मशीनें हैं वो यहाँ तक आई थी, ठीक है, वो तो हम लोगों का विरोध रहा कि फिर वो यहाँ से चली गई, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है जहाँ पे अवैध माइनिंग हो रहा है, कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन हो या फिर फॉरेस्ट वन विभाग हो, किसी तरह का कोई भी वो नहीं है, लोग हल्ले से अपना काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कि इस इलाके में अवैध माइनिंग जो है वो एक नासूर बना हुआ है, और यही कारण है कि लोग ऐसे थाती को बचाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो अब प्रशासन की जिम्मेवारी है कि ऐसी जगहों को जो ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं, उनको सहेजने का काम करें, उन्हें बचाने का काम करें। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।